हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इस समय कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर, और प्रीवियस पेपर डिस्कशन है आज 39। और 39 का मतलब क्या हुआ, 2023 का लास्ट सेट है। 39 सेट हुए थे, 39th आज हम लोग करने जा रहे हैं, और ये है 27 जुलाई 2023 का आखिरी दिन का पेपर है, और आखिरी शिफ्ट है शिफ्ट थर्ड। आप कहेंगे शिफ्ट फोर्थ हुई ही नहीं थी बच्चा, ठीक है। तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत। उसके बाद ये डिस्कशन करने के बाद थोड़ी देर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट प्लान पर, तो अभी शुरुआत में उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं आज का आपका डिस्कशन, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कर रहा है, देखो यहाँ दिखा है सब्स्टिट्यूट। अब देखो वही दिखता ही है सीधे सीधे जो करना है। सब्स्टिट्यूट किसका करना है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। देखो कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड की जगह पर क्या वर्ड यूज कर सकते हो, तो ट्रांसफॉर्म की जगह पे आप कन्वर्ट, रिप्लेस या रिवेल्युएट क्या लगाएंगे, इसके लिए तो आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं सेंटेंस, देखते हैं कौन सा वर्ड सुटेबल यहाँ पे लग पा रहा है। लिखा है पॉलीथिनाइल, ठीक है। पॉलीथिलीन मतलब क्या हुआ, जो पॉलीथीन हम लोग यूज करते हैं सीधे सीधे इसे बोलते हैं ना, पॉलीएथिलीन। और टेरेप्थलेट कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, मतलब एक ही चीज़ है, वन ऑफ द मोस्ट ऑफन रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स, जो आप सब्जी खरीदने के बाद पन्नी में सब्जी लेके चले आते हैं या बाजार से जो भी शॉपिंग करते हैं पन्नी में लेके चले आते हैं, उसमें से एक वेराइटी है ये जो रिसाइकेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा रिसाइकल्ड प्लास्टिक है। एंड द मटेरियल यूज इन द मेजोरिटी ऑफ वाटर एंड सोडा बॉटल्स, तो पानी की जो बोतल होती है और जो सोडा की बोतल होती है तो उसमें ये यूज की जाती है, ठीक है। आगे लिखा है कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एवरीथिंग फ्रॉम पॉलिस्टर फैब्रिक टू ऑटोमोबाइल, ऑटोमोटिव पार्ट, जो ऑटोमोटिव मतलब ऑटोमोबाइल के पार्ट होते हैं उनके, और प्लास्टिक फाइबर पॉलिस्टर के फाइबर्स तक बनाए जा सकते हैं उससे, ठीक है। तो कैन बी ट्रांसफॉर्म, देखो ट्रांसफॉर्म कब होता है, हम लोग कब यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म, जब हम किसी चीज़ का रूप परिवर्तित करते हैं, जैसे आप हिंदी से अंग्रेजी में बनाते हो ट्रांसफॉर्म, मतलब हिंदी से अंग्रेजी नहीं, वो कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसफॉर्म, मतलब जैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो, ठीक है, और एक्टिव से पैसिव बनाते हो, ये ट्रांसफॉर्म होता है। छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप उसको चेंज कर देते हो, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में चेंज करते हो, जैसे दूध को दही में आप चेंज करते हो, तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं करते हो, आप कन्वर्ट करते हो, ठीक है ना, समझ गए। तो कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए पहले वाले का ऑप्शन क्या होगा, ये होगा मे बी कन्वर्टेड, ठीक है। और प्लेस्ड और डिवेल्युएटेड इवॉल्वड, ये तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना, उसको हम डिवेल्युएट कर सकते, उसकी क्या हमको वैल्यूएशन या डिवेल्युएशन कहाँ करनी है उसकी, और ना हो उसको इवॉल्व करना है, वो उद्विकास थोड़े ना लिविंग में लगता है, जो इवॉल्व्ड होता है वो लिविंग में लगता है, जीव जंतुओं में लगता है, कैसे कैसे उनका इवोल्यूशन होता है उसमें लगता है ना। कोई मटेरियल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर रहे हो, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में उसको चेंज कर रहे हो, तो कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये सुटेबल वर्ड होगा कन्वर्टेड। आगे चलते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टू में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। स्टेटमेंट देखो, अ प्लेस वेयर एयरप्लेन्स आर कैप्ट फॉर मेंटेनेंस, एक ऐसी जगह जहां मेंटेनेंस के लिए एरोप्लेन, मतलब एक तरह से कह सकते हो एरोप्लेन का गैरेज होता है, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं बेटा हैंगर। और हैंगर के लिए दो वर्ड दिए हुए हैं, मतलब कर दिया यहाँ पे होमोफोन्स का यूज उन्होंने, ठीक। तो जो एच ए एन जी ई आर वाला है, देखना यहाँ पे क्या लिखा है, जी ई आर लिखा है, जी ई आर वाला होता है ना कोई चीज़, जैसे आप शर्ट जहाँ टांगते हैं, खूंटी कह सकते हो, जहाँ आप शर्ट टांग देते हो, पैंट टांग देते हो, कोट टांग देते हो, उसको हम लोग हैंगर कहते हैं। और जो जी ए आर लिखा होता ना, जी ए आर वही जगह है जहाँ आप एरोप्लेन को खड़ी करते हो उड़ के आने के बाद, जहाँ उसकी रिपेयरिंग वगैरह थोड़ी होती है, देखा जाता है कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, नेक्स्ट टेक ऑफ के लिए वो मतलब सुटेबल है कि नहीं है। दो वर्ड और बचे हुए हैं, उनसे भी निपट लेते हैं लगे हाथ। स्कलरी है, स्कलरी का मतलब जानते हो, एक ऐसी जगह जहाँ बर्तन धो जाते हैं, किचन में ही हो सकता है स्कलरी, कभी कभी गाँवों में बाहर की ओर होता है, तो जहाँ बर्तन धोए जाते हैं उनको कहते हैं स्कलरी। और एवियरी क्या होता है, एवियरी होता है जहाँ पक्षी पाले जाते हैं, ठीक है,
आंसर आपका कौन सा हुआ, सेकेंड वाला हैंगर, भूलकर थर्ड वाला मत लगा दीजिएगा, नहीं तो धोखा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, खाली जगह भरने का है। लिखा है कि सी कुड इजिली ईट द डैश बिरयानी बाई हरसेल्फ। वाह वाह बिरयानी, कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, मुंह बंद किए रहना नहीं तो मोबाइल खराब हो जाएगा। तो सी कुड इजिली ईट वो आसानी से खा सकती थी द डैश बिरयानी बाई हरसेल्फ, अकेले। बाई हरसेल्फ का मतलब क्या हुआ, अकेले। कितनी होल बिरयानी, ये होल बिरयानी, ये होल बिरयानी, होल बिरयानी, तो यहाँ मतलब क्या है, पूरी की पूरी बिरयानी। तो पूरी की पूरी बिरयानी के लिए कौन सा लगेगा, ये होल, WHOLE, ये होल बिरयानी हो गई ना, सारी की सारी बिरयानी वो अकेले खा सकती थी। ठीक है, चलिए भैया ये भी एक महानता की बात है। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर, कह रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव, मतलब जो एक सेंटेंस दिया हुआ है डियर वाज किल्ड बाय द बोर, इसको आप एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे और वाज के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है, वाज के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगी है, उल्टा करते हैं तो यहाँ क्या लगनी चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एक्टिव में रही होगी। तो वर्ब के साथ किल्ड ढूंढिए कहाँ है, ठीक है, वाज नहीं लगाना, सीधे किल्ड ढूंढिए। यहाँ वाज किलिंग होगा, कंटिन्यूअस हो गया, वाज किल्ड पैसिव वॉइस में हो गया, बोर किल्ड, किल्ड यही है वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, यहाँ डियर किल्ड। तीसरा और चौथा जरा देखिएगा, ठीक है, धोखा ना खाइएगा। खाली किल्ड हमने कहा कि किल्ड ढूंढो, अब दोनों में किल्ड मिल गई, दोनों में किल्ड मिल गई, अब सेंटेंस क्या कह रहा है कि डियर वाज किल्ड बाय बोर, जंगली सुअर के द्वारा हिरन मारा गया। और नीचे क्या कह रहे हैं कि डियर किल्ड बोर, मतलब हिरन ने सुअर को मार दिया, तो ये गलत हो गया, बात ही उल्टी हो जाएगी। यहाँ क्या होगा, बोर किल्ड द डियर, तीसरा वाला होगा। उम्मीद है ये सब लोगों का सही रहा होगा, अगर किसी ने गलती की तो समझ लो फिर। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर फाइव में, ठीक, ये है अरेंजमेंट का क्वेश्चन। देखो ए बी सी डी, ठीक है, अरेंज करें। चलिए पढ़ते हैं, लिखा है माई ग्रैंडफादर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरे दादाजी मेरे साथ स्कूल हमेशा जाया करते थे, बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, जो स्कूल है वो एक मंदिर से सटा हुआ था, उसी से अटैच था, जुड़ा हुआ था, मतलब मंदिर में ही स्कूल चलता था। आगे बढ़ते हैं, व्हेन वी बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों अपना अपना काम ख़त्म कर लेते थे, तो ये हमको लगता है लास्ट में जाकर फिनिश्ड का मतलब आखिरी काम होगा, वी वुड बी बैक टुगेदर, साथ साथ में वापस आ, देखो ए में साथ साथ में गए दोनों, बी में साथ साथ दोनों लौट आए सारा काम करने के बाद, तो सी और डी बीच में लगाना होगा, देखे दे। अच्छा सी में लिखा है वाइल द चिल्ड्रेन सैट इन द रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा सिटिंग द अल्फाबेट सॉरी सिंगिंग द अल्फाबेट या प्रेयर इन कोरस माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। अरे यार ये तो दादी हैं, हम ग्रैंडफादर क्यों बोल रहे थे, भैया गलती हो गई, ग्रैंड मदर हैं, हमने ग्रैंडफादर बोल दिया था। चलिए कोई बात नहीं, तो दादा जाएं दादी जाएं बात एक ही है, ठीक। तो व्हाइल द चिल्ड्रन सैट इन रो, जब बच्चे लाइनों में मतलब बरांडे के दोनों तरफ लाइन में जब बच्चे बैठे रहते थे, सिंगिंग गा रहे होते थे जोर जोर से, अल्फाबेट मतलब ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय जब तक कर रहे होते थे या प्रेयर कर रहे होते थे कोरस में, उस समय इनकी दादी जो होती थी वो इनसाइड वहीं अंदर बैठ करके स्क्रिप्चर्स का मतलब वेद पुराण रामायण महाभारत ये सब पढ़ा करती थी। नेक्स्ट है द प्रीस्ट टॉट अस अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर। अच्छा तो पहले स्कूल गए, स्कूल में पहला काम क्या होगा, जो प्रीस्ट हैं जो पुजारी जी हैं वो अल्फ़ाबेट पढ़ाएंगे, मॉर्निंग प्रेयर पढ़ाएंगे। अच्छा जब बच्चे मॉर्निंग प्रेयर या अल्फ़ाबेट रट रहे होंगे उस समय दादी क्या करेंगी, मंदिर के अंदर बैठ करके गीता कुरान गीता बाइबल का मंदिर में बैठ के गीता महाभारत रामायण ये सब पढ़ रही होंगी। तो हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस तो हुआ ए, ठीक है पक्का, और आखिरी सेंटेंस हुआ बी, ए शुरू में बी लास्ट में, यहाँ पे है ए शुरू में बी लास्ट में नहीं है, यहाँ ए शुरू में है बी लास्ट में नहीं है, यहाँ ए शुरू में है बी लास्ट में नहीं है, ये हमारा ए शुरू में है और बी लास्ट में है, बीच में डी सी लगा है, तो डी में पुजारी जी पढ़ाया करते थे, और सी में बताया गया है कि
जब बच्चे वहाँ पढ़ रहे होते थे तो दादी अंदर बैठ करके रामायण महाभारत पढ़ती थी, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा होगा ये पैराग्राफ का, ए डी सी और उसके बाद बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6, 6 में क्या है, खाली जगह भरना है, पढ़ के देखो क्या है। द ड्राइवर वेरी सब्टली, बहुत सब्टली में तो बहुत बढ़िया ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से क्या किया, डैश द ट्रैफिक वायलेशन ही कमिटेड, मतलब खुद उसने ट्रैफिक वायलेशन किया था, ट्रैफिक के नियमों को तोड़ा था और बड़ी अच्छी ढंग से उसने उस मैटर को डैश कर लिया। क्या कर लिया, आयरन असाइड कर लिया, आयरन आउट कर लिया, आयरन इन कर लिया या आयरन थ्रू कर लिया। ठीक है, तो क्या लगाएंगे इसमें, इसमें होगा आयरन आउट। देखो जब आप किसी प्रॉब्लम को आयरन आउट करते हो तो इसका मतलब उस प्रॉब्लम को आपने क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया या रिजॉल्व कर लिया। समस्या सॉल्व करने के लिए होता है आयरन आउट, मतभेदों को दूर कर लेना, प्लेन कर लेना। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया, आयरन आउट। चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, 7 में फिर वही बात आ गई रीअरेंजमेंट का, फिर पढ़ते हैं क्या करना है। लिखा कि ही लेटर ट्राई टू फ्रेंचाइज हिज रेस्टोरेंट, ही कौन है, उसने अपने रेस्टोरेंट को फ्रेंचाइज करने का की कोशिश की, अभी तो ही मिला नहीं है। चलो देखते हैं, कर्नल हार्लैंड, ओहो शायद यही होंगे, कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, रियल लाइफ स्टोरी ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड न्यूमरस टाइम्स, जीवन में कई बार वो डिसअपॉइंट हुए थे, एंड स्टिल मेकिंग हिज एम्बिशन कम ट्रू, और अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका एम्बिशन सही नहीं हो, मतलब प्रूफ हो जाए या पूरा हो जाए। लेट इन लाइफ इज ट्रूली मोटिवेटिंग, और अभी जो मतलब लेट इन लाइफ मतलब 50-60 की उम्र के बाद जब वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये रियली मोटिवेटिंग है। ठीक है, इंस्पायरिंग है। आगे लिखा, ही बिगेन सेलिंग चिकन एट द एज ऑफ 40, 40 की एज पे वो चिकन बेचना शुरू किए थे, बट हिज ड्रीम ऑफ ओपनिंग अ रेस्टोरेंट वाज रिपीटेडली डिनाइड ओइंग टू कन्फ्लिक्ट एंड वार, कई कई दिक्कतों से वजह से, कहीं कन्फ्लिक्ट कहीं वार की वजह से उनका जो रेस्टोरेंट का सपना था वो बार बार डिनाई हो जाता था, बार बार वो सपना टूट जाता था, नहीं कर पा रहे थे। ही इज 7th ग्रेड ड्रॉप आउट, मतलब कक्षा 7 फेल है, हु ट्राइड मेनी थिंग्स इन लाइफ बट फाउंड देम बेटर, कक्षा 7 फेल हैं, कक्षा 7 के बाद स्कूल छोड़ दिया था, कई बार उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की लेकिन हर बार उनके जीवन का अनुभव क्या रहा, बहुत ही कड़वा रहा है। भाई देखो बी से शुरू होगा, तीनों सेंटेंस में हमको ही मिला। ठीक है, ये देखो यहाँ भी ही मिला, यहाँ भी ही मिला, यहाँ भी ही मिला, बी में मिला कर्नल हार्लैंड सैंडर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। फ़ायदा क्यों नहीं मिला, देखो सारे सेंटेंस में बी से स्टार्ट है, तो ये वाला तो काम छोड़ना ही पड़ेगा, इससे हमें कोई फ़ायदा हो नहीं पा रहा है। अब देखते हैं कि क्या हम एंड किससे कर सकते हैं, तो एंड किससे कर सकते हैं, ये भी कुछ मिल नहीं रहा कहानी, तो चलो सीरियल में एक और से लगाते हैं। सबसे पहले कि वो बार बार डिसअपॉइंट हुए और बार बार अपने सपनों को मतलब आधे के बाद भी, आधी उम्र बीत जाने के बाद भी अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही मोटिवेटिंग है। तो स्टार्ट कहाँ से किया था उन्होंने बताओ, स्टार्ट ये होगा कि उन्होंने ही बिगेन सेलिंग चिकन, स्टार्ट किया था उन्होंने चिकन से। ठीक है, शुरू किया चिकन बेचने से, और लेकिन रेस्टोरेंट का सपना उनका था और बार बार किसी ना किसी वजह से ड्रॉप आउट हो रहा था, तो एक बात हो गई। ठीक है, बी के बाद, और ये लिखा है 7th ग्रेड ड्रॉप आउट हैं, बार बार कोशिश किए, बार बार फेल हो गए, तो पहले एक काम करो ना, पहले डी ही लगा लेते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ काम तो शुरू करें, मतलब 7th ग्रेड। अब पहले इन्होंने बताया उनका सपना, फिर उनके बचपन के बारे में, चले चलो 7th पास आउट नहीं है, 7th फेल है, ड्रॉप आउट है, वो कई चीज़ें जीवन में उन्होंने कोशिश की और एको काम बन नहीं पाया उनका। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे कि शुरुआत क्या की उन्होंने, शुरुआत की उन्होंने 40 की एज में चिकन बेचने का, लेकिन उनका रेस्टोरेंट खोलने का सपना बार 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 गड़बड़ होता रहा, तो बाद में लेटर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्राई की कि वो अपने रेस्टोरेंट के क्या करेंगे, फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज मतलब किसी बड़े नाम वाले रेस्टोरेंट का नाम रख लेंगे, उनको पैसा दिया करेंगे। ठीक है, तो सेट ये हो रहा है कि बी के बाद हम लगाएं डी, ठीक है, उसके बाद सी है, लास्ट में तो यही लगेगा,
क्योंकि लेटर लिखा हुआ है सबके, बाद में उन्होंने ये काम किया, ए लास्ट में आना चाहिए तो ए लास्ट में आना चाहिए, तो अब यहाँ पर भी दिया ए लास्ट में, यहाँ पर भी दिया ए लास्ट में, लेकिन यहाँ पे डी को पहले, हाँ डी पहले ही होगा, सी बाद में होगा, ठीक है ना। अब इसमें सी पहले कर दिया है, ये गड़बड़ कर देगा, तो चौथा वाला तो नहीं हो पाएगा हमारा, बनेगा तो आपका पहला वाला ही ऑप्शन, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा, यही वाला लगाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है। इसमें दिया है एरर, ठीक है, यहाँ लिखा है आप एरर बताओ, और ऑप्शन में नो एरर है नहीं, यानी कि एरर ढूंढनी ही ढूंढनी है। चलिए, इट कह रहे हैं इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड, ओहो, ड्यूरिंग द विंटर, एक्सट्रीम कोल्ड। देखो भैया, एक्सट्रीम है एडजेक्टिव और कोल्ड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव नहीं लगाते, बल्कि क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव के लिए हम लोग लगाते हैं एडवर्ब। अगर दो एडजेक्टिव लगाओगे तो कामा लगाओगे या एंड लगाओगे, तब वो कनेक्ट होगा, ठीक है। एडजेक्टिव की विशेषता एडजेक्टिव नहीं बताएगा, तो इस लिहाज से हमको चाहिए ये कि हम एक्सट्रीम में एलवाई लगा लें, इसको करें एक्सट्रीमली कोल्ड, ठीक है। तो गलती कहाँ हो गई, पहले वाले पोर्शन में है, मतलब सेंटेंस के दूसरे वाले में है, ऑप्शन के पहले वाले में है, आंसर हो गया आपका पहला। चलिए अब नवा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि साइनोनिम बताना है किसका, जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका बताना है, क्लाउड बर्स्ट करना है, एक वर्ड बताइए इसके लिए, ये तो फ्रेज हो गया, ठीक। द वेदर फोरकास्ट मेंशन्ड दैट, जो मौसम की भविष्यवाणी थी उसमें ये मेंशन किया गया था कि देयर वुड बी अ क्लाउड बर्स्ट दिस आफ्टरनून, आज दोपहर के बाद बादल फटेंगे। बादल फटने का मतलब मूसलाधार बारिश होगी, घनघोर बारिश, खूब हैवी रेन, मतलब डाउनपोर होने वाला है, डेल्यूज होने वाला है, ठीक है। चलिए तो 9 नंबर में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो क्या होगा 9 नंबर में, सैंड स्टॉर्म मतलब क्या होता है, ये तो रेगिस्तान में जो तूफान आता है वो आएगा, वो तो हो नहीं सकता। स्नोफॉल होगा क्या, नहीं, सेवल स्नोफॉल को एवलांच कहते हैं। क्लाउड बर्स्ट होगा तो स्नोफॉल क्यों होगा भाई, बादल फटेंगे तो बर्फ थोड़े ना गिरेगी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ना रेत उड़ेगी, तो रेन स्टॉर्म हो सकता है। रेन स्टॉर्म मतलब भयानक बारिश होगी, हवा चलेगी, बारिश होगी। फेमाइन का मतलब अकाल, देखो एक और बादल फट रहा है, एक और फेमाइन हो रही है, अकाल कहाँ से आ जाएगा, ये तो घोर अपोजिट हो जाएगा, तो आपका क्या हो गया, रेन स्टॉर्म हो गया, ठीक है, ये ज़्यादा सूटेबल है। चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 तक तो हम लोग कर चुके हैं, ये आ गए 10वें में आपके। इसमें क्या करना है आपको, पैसिव वॉइस बनानी है, किसकी बनानी है, वी आर ऑर्गेनाइजिंग द चैरिटी फंक्शन टुमारो, आर के बाद आईएनजी लिखा हुआ है, आईएनजी लगने का मतलब क्या हुआ, पहले आप बीइंग लगाएंगे, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, किसके लिए लगाएंगे, द चैरिटी फंक्शन के लिए, तो चैरिटी फंक्शन का कान पकड़ के पहले ले आओ, चैरिटी फंक्शन चारों में पहले लगा हुआ है। अब इसके बाद चैरिटी फंक्शन सिंगुलर है तो इसके लिए इज लगा दोगे, इज के बाद क्या लगाओगे, बीइंग ढूंढो, यहाँ लिखा इज बीइंग, यहाँ लिखा इज बीइंग, यहाँ लिखा इज बी, नहीं होगा, इज ऑर्गेनाइज नहीं होगा। अब यहाँ क्या होगा, बीइंग ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, तो ये भी नहीं होगा, गलत होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो पहला वाला ऑप्शन आपका क्लियर है, ठीक। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में, तो 11 वाले में क्या कह रहे हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ, बताओ भैया किसकी स्पेलिंग गलत है। डर्थ मतलब अभाव होता है, इसकी तो कमी, इसकी तो स्पेलिंग गलत है नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता आपका। करप्ट की भी स्पेलिंग सही है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। बेयरली की भी स्पेलिंग सही है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो फिर मानो कि ये गलत है और क्या, ठीक है। 12th नंबर में, तो असल में यहाँ पे होगा क्या, तो पहले एक्सेप्ट की स्पेलिंग बताओ आप हमको, तो एक्सेप्ट की स्पेलिंग क्या होती है, AECEPT। एक्सेप्ट में आप क्या करोगे, एबल जोड़ दोगे, तो एक्सेप्टेबल में क्या हो जाएगा, टी के बाद ए लगना चाहिए, यहाँ टी के बाद आई लगा हुआ है, दैट्स वाई ये गलत हो गया, आपका आंसर हो गया 4th वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, देखो 13 में फिर से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो आ जाओ देखो क्या लिखा हुआ है, सफिशियंट लिखा हुआ, ले आओ यही गलत है। सफिशियंट में बच्चा स्पेलिंग क्या होती है, SUFF, उसके बाद आई फिर ई फिर एन फिर टी, ठीक है, आई ई, हाँ पहले आई होगा बाद में ई होगा, यहाँ क्या दिया है, ई पहले दिया है, आई बाद में दिया है, तो ये गलत हो गया, गलत हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया।
बाकी अगर मीनिंग जानना चाहते हो तो समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। सफिशियंट की मीनिंग पता ही है। सिरप का मतलब क्या होता है? शरबत होता है। तो अब चाहे पानी में चीनी नींबू नमक डाल दो वो शरबत हो जाए, चाहे मेडिकल स्टोर से सिरप ले आओ ताकत बढ़ाने वाला वो भी सिरप होता है। ठीक है, चलो। सुपीरियर भी आपको पता है, सुपीरियर इन्फीरियर कंपेरेटिव डिग्रीज होती हैं, ये ज़्यादा श्रेष्ठ के लिए यूज किया जाता है। श्रबरी क्या होती है जरा श्रब बताओ क्या होता है? श्रब का मतलब क्या होता है? श्रब SRUB श्रब का मतलब होता है ना झाड़ियाँ होती हैं, ये बुश को कहते हैं श्रब। तो श्रबरी क्या होता है? श्रबरी होता है जानते हो झाड़ी का जंगल ही होता है पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा पूरा झाड़ी का जंगल ही होता है। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं आपके कौन से, ये हो गया 13, तो अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 14 में। मुझे लगता है कोई क्वेश्चन छूट गया क्या है, कोई क्वेश्चन लग रहा है छूटा है। इतनी जल्दी हम कहीं यहाँ कैसे पहुँच गए? एक सेकंड रुको बच्चा लोग, जरा हम चेक करते हैं कहाँ से गड़बड़ हुई है। तो ये 9 तो करा चुका हूँ, फिर ये 10 करा चुका हूँ, ठीक है, फिर ये क्या छूटा रह गया है देखते हैं, ये शायद 11 छूटा है क्या। ओहो, क्वेश्चन नंबर 11 छूट गया है, तो थोड़ा आगे बढ़ गया, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं, याद आया। फिर से पीछे आ जाते हैं हम लोग। बताना है बच्चा ना यहाँ पे एंटोनियम बताना है किसका, जो अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है, अंडरलाइन वर्ड क्या दिया, अमेचर दिया हुआ है। तो माई नीस मतलब मेरा भतीजी मेरी इज एन अमेचर आर्टिस्ट, आई होप सी बिकम्स फेमस वन डे। अभी जो मेरी भतीजी है अमेचर आर्टिस्ट है, उम्मीद है कि किसी दिन बहुत फेमस हो जाएगी। तो अमेचर का देखो एक मतलब होता है ना शौकिया। शौकिया का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी काम को शौक से अपने करता है, मतलब पैसे के लिए नहीं, प्रोफेशनल नहीं, अपनी खुद के फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, फॉर सेल्फ प्लेजर, अपनी आनंद अपनी खुशी के लिए करता है, ठीक है, तो वो अमेचर होता है। अमेचर का एक और होता है अनएक्सपीरियंस्ड होता है, नौसिखिया होता है। तो अनएक्सपीरियंस्ड या अनुभव, मतलब यहाँ लिख दे रहा हूँ, पूरा नहीं लिखूँगा, अनएक्सपीरियंस लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। देखिए हमें किसका एंटोनी मिलता है, बोरिंग का, बोरिंग तो होगा नहीं, डिसेंट में होगा नहीं। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है स्वतंत्र, क्या होता है, एकदम स्वतंत्र अपनी मर्जी का, ये हो गया। और एक्सपर्ट, अच्छा तो हमें शौकिया वाले का तो अपोजिट मिला नहीं, क्योंकि शौकिया जो लोग काम करते हैं उनका अपोजिट होता है प्रोफेशनल, हर काम पैसे के लिए करते हैं, मर्सिनरी कह सकते हो, इसका एंटोनिम नहीं मिला। तो हमें एक्सपर्ट मिल गया, किसका, अनएक्सपीरियंस्ड का एंटोनिम मिल गया। देखो दो सेंस में यूज होता है, पहले वाले सेंस का एंटोनिम नहीं मिला तो दूसरे वाले का तो मिल गया, तो हम क्या करते हैं चौथा वाला ऑप्शन लेके चलेंगे। ठीक है, अब हम 12वां आपका करा चुके हैं ना क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 12 हम करा चुके हैं, 13 भी करा चुके थे। अब आते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 14 पर ना बच्चा, छूट गया था एक क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, लिखा है द सेक्रेटरी टू माय बॉस इज वेरी इफिशियंट, जो मेरे बॉस की सेक्रेटरी है वो क्या है, बहुत ही इफिशियंट है, बड़े मतलब इफिशियंट मतलब बड़ा योग्य, बहुत कुशल, एक्सपर्ट है। He not only gives him the required information, वो ना केवल उनको ज़रूरी information देते हैं, and also handles correspondence independently, बल्कि वो जो उनका correspondence है, जो उनका पत्राचार है, वो भी handle कर लेता है। अच्छा एक बात बताओ, not only के साथ and also लगता है कि but also लगता है? जब यहाँ लिखा नॉट ओनली तो इसके साथ हमें एंड आल्सो नहीं क्या लगना चाहिए था, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगता है, आल्सो लगा है, बट लगाना है, बट आल्सो हैंडल्स, देखो कहाँ मिलता है, बस बट आल्सो हैंडल्स ये मिल गया हमको। येट आल्सो नहीं होता, अलॉन्ग विद नहीं होगा, या नॉट आल्सो नहीं होगा, क्या लगेगा, बट आल्सो लगेगा। ठीक है, तो आपका पहला वाला आंसर हो गया 14 नंबर में। आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 15 में, 15 में फिर से अंडरलाइन किया हुआ है, बहुत अंडरलाइन है यहाँ से। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये जो idiom है, इस idiom के लिए आप इसको किससे बदल सकते हो। ठीक है, एक ऑप्शन दिया है, इसके लिए idiom ढूंढना है, ये चार के चारों idiom हैं और ये सिचुएशन दी हुई है, इस सिचुएशन में कौन सा idiom आप यूज करोगे। तो पढ़ो जरा, माई कजिन सिस्टर, नहीं तो देखो कजिन के साथ सिस्टर नहीं लगाया जाएगा, ग्रामर का सत्यानाश यही लोग करते हैं।
अभी एरर में होता तो कहते कि कजिन के साथ सिस्टर नहीं है। तो अब फिर लगाते क्यों हैं, जब एसएससी आयोग वाले पेपर बनाते हैं आप एरर में इसको गलत कहेंगे और इम्प्रूवमेंट में आप यही सेंटेंस दे रखे हो, बच्चे को लगेगा कि एसएससी वालों ने पेपर बनाया तो कजिन के साथ सिस्टर लगता होगा, उनका अगला एग्जाम तो सत्यानाश हो जाएगा इनके चक्कर में। ठीक, तो मैं बता रहा हूँ कज़िन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं लिखा जाता, ये इनकी गलती है। आप याद रखिएगा, एरर इम्प्रूवमेंट में आ जाए तो कज़िन के बाद सिस्टर वगैरह हटा देना। ठीक है, चलिए। तो माय कज़न नीतू हैड एन एरियल व्यू ऑफ द ट्रेड फेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ द जाइंट व्हील, मतलब कुछ रहा होगा जाइंट व्हील, उसके ऊपर से इन्होंने देखा पूरा पूरे फेयर का एरियल व्यू। एरियल व्यू का मतलब क्या हुआ, यहाँ कोई चीज़ है आप यहाँ से इसको देख रहे हो तो ऊपर की ओर से देख रहे हो, तो ऊपर से कौन देखेगा बताओ, चिड़िया देखती है ना, ऊपर से उड़ते उड़ते जाती हैं तो वही तो देखती है, एरियल व्यू चिड़ियों का होता है। अ बर्ड इन अ गिल्डेड केज, ये इडियम यहाँ फिट नहीं होगा। अ बर्ड इन अ गिल्डेड केज का मतलब क्या होता है, एक चिड़िया सोने चांदी के पिंजरे में कैद है, मतलब ये हुआ कि आपके पास सुख सुविधा की चीज़ें बहुत हैं, आप खाते हैं सोने की थाली में, पानी पीते हैं चांदी की गिलास में, ठीक है, रहते हैं एकदम लग्जरीज में, लेकिन आपका पेट दर्द कर रहा हो तो क्या हाल होगा। ठीक, मर्सिडीज से जा रहे हैं लेकिन पेट में अब मरोड़ उठ रही है, मतलब बेकार है ना वो मर्सिडीज का क्या फ़ायदा। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास भौतिक सुख सुविधाएं बहुत हैं, ठीक है, फिजिकल मटेरियलिस्टिक गेन्स बहुत हैं, मटेरियलिस्टिक लग्जरीज बहुत हैं आपके पास, लेकिन आप गुलाम हैं किसी के, किसी के अधीन हैं, यू आर नॉट फ्री, जैसे सोने की पिंजरे में कैद चिड़िया। अब आप सिचुएशन समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा आप समझदार हैं। ठीक, बर्ड ब्रेन का मतलब क्या होता है, बर्ड ब्रेन का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग चिड़ियों जैसा है, तो इसका मतलब होता है वो आदमी मूर्ख है, मूर्ख नहीं महामूर्ख है, उसको कहा जाता है। ठीक है, स्टूपिड कह ले। अब बर्ड ऑफ सेम फेदर, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर का मतलब होता है ऐसी चिड़ियाँ जिनके फेदर एक समान होते हैं, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई और चोरनी चोरनी मौसेरी बहने। ठीक है, हालांकि ये दूसरा वाला मुहावरा था नहीं, वो मैंने बढ़ा दिया भाई, काहे चोर चोर मौसेरे भाई ही क्यों, मौसेरी बहने भी तो हो सकती हैं। खैर ठीक है, लड़कियां बुरा ना माने। तो बर्ड्स ऑफ सेम फेदर हो गया। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है पक्षियों की नज़र से विहंगम अवलोकन, मतलब आप ऊपर से कोई चीज़, ऊपर से नीचे की ओर कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई सीन देखते हैं, तो उसको बर्ड्स आई व्यू कहते हैं, और इसी की बात हो रही थी एरियल व्यू में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या है, फिर से अरेंजमेंट का क्वेश्चन है यार, ये तो एकदम दिमाग खराब कर दिए, जितना देखो अरेंजमेंट 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 अरेंजमेंट, चलो लगाते हैं। लिखा है इन शेक्सपियर्स हैंड इंग्लिश ड्रामा क्या हुआ, इंग्लिश ड्रामा अचीव्ड अ मैचलेस ब्रिलियंस, सीधे सीधे लगाओगे उनके हैंड्स में, तो इसके बाद ए के बाद क्या लगाना है, हमको डी लगाना है, एकदम फिक्स है, तो ए के बाद डी, हम सबसे पहले यही ढूंढ लेते हैं कहाँ ए के बाद डी लगा हुआ है, कोई ऑप्शन है क्या इस तरह का ए के बाद डी लगने वाला, तो ए के बाद डी यहाँ पे दिया हुआ है, ए के बाद डी यहाँ, ए के बाद बी दिया है, लगेगा नहीं, यहाँ भी ए के बाद डी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ए के बाद डी, नहीं ये नहीं हो सकता। अब देखो बी से शुरू हो सकता है क्या, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या सेंटेंस, दो ऑप्शन में ए के बाद डी है और इसमें बी से शुरू कर रहे हैं, चेक कर लो, बी से शुरू दैट फर्स्ट सोन, बिल्कुल दैट से शुरू ही नहीं हो सकता, तो ये भी कट गया, अब बचा आपके पास आंसर वन, मैंने छाँट छोट के कम कर दिया। अब आप इसको क्रॉस चेक करना चाहो तो कर सकते हो, तो सी पहले करो, लिखो, देखो क्या लिखा है, विलियम शेक्सपियर इज कंसीडर, देखो यहाँ विलियम शेक्सपियर लिखा है, यहाँ केवल शेक्सपियर लिखा है, तो पूरा नाम पहले होता है, आधा नाम बाद में होता है, तो जाहिर सी बात है सी से शुरू होगा, आप पहला आंसर ले लो, हो गया हमारा काम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, देखें क्या दिया हुआ है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, इसमें करना क्या है कि साइनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का, अंडरलाइन देखो ये पिद्दी भर का वर्ड अंडरलाइन किया है, उसके लिए दिए हैं क्या 5 लाइन का सेंटेंस, ठीक, अब पढ़ो भैया वहाँ से उसकी मीनिंग निकालो। विजडम का मतलब वैसे क्या होता है, बुद्धिमानी समझदारी होता है, देख लेते हैं, दो अगर सेम सेम का मिलेगा तो हटा देंगे, नहीं तो रहने देंगे।
क्लैरिटी मतलब होता है स्पष्टता, इनसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि जिसको कहते हैं समझदारी, फोली माने मूर्खता, एंटोनियम हो जाएगा, इमोशन मतलब भावुकता, बिल्कुल नहीं तो ये दूसरा वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। दूर दूर तक कोई नज़दीक नहीं है उसके। आप सेंटेंस पढ़ना चाहो तो मैं आपको क्रॉस चेक करा सकता हूँ। देखो यहाँ से आई हैव, देखो हाउ मच आई हैव डिपेंडेड ऑन बुक्स नॉट ओनली फॉर प्लेजर एंड फॉर विजडम दे ब्रिंग टू ऑल हु रीड। तो नॉट ओनली फॉर प्लेजर, केवल प्लेजर के लिए नहीं बल्कि विजडम के लिए मतलब ज्ञान के लिए। तो सीधी सी बात है, ज्ञान के लिए लगा है, ज्ञान के लिए आप क्या लगाओगे, इनसाइट होती है, यही बुद्धि समझदारी ज्ञान से रिलेटेड है, बाकी कोई ज्ञान से रिलेटेड है नहीं, काटो उनको। तो ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में क्या है, एक वर्ड दिया हुआ है नैव, हाईलाइटेड करने के लिए बोला था, और दिया है इसका एंटोनिम बताओ। तो नैव का मतलब क्या होता है, निहायत सीधा सादा आदमी, क्या होता है, बहुत ही सीधा सादा आदमी, ठीक है, जिसके अंदर छल प्रपंच नहीं होता। सीधा साधक मतलब कुर्ता धोती पहनने वाला नहीं, सीधा साधक मतलब जिस व्यक्ति के अंदर छल प्रपंच नहीं होता, दिल का बहुत साफ व्यक्ति होता है, ठीक है। तो उसका आपको एंटोनियम ढूंढना कहाँ से है, यहाँ पे इसी में कहीं पे कुछ लगा होगा, तो हम क्या करें, हम यहाँ ना देख लें, क्या करें उसको देख के पढ़ के। तो चलो आ जाओ, नैव का क्या होगा, जेडेड या करप्ट या कन्विंस्ड या साइनिकल। तो ठीक है, चारों का मतलब बताऊँ आपको, तब तो आप समझ पाओगे क्या होगा। जेडेड का मतलब क्या होता है, कभी सुना है जटलव या जेड, जेड का मतलब जानते हो, होता है थकान। जेडेड मतलब क्या हुआ, आदमी एकदम से थका हुआ है, एकदम से टायर्ड है, ठीक है, ये लगा। अच्छा, करप्ट का मतलब भ्रष्ट होता है भैया, तो नैव का अपोजिट भ्रष्ट होगा, नहीं ये तो नहीं लगता मुझे 18 नंबर पे। और कन्विंस्ड का मतलब जिसको हम यकीन दिला दिए हो। साइनिकल का मतलब क्या होता है, जो दूसरों में कमियां निकालता हो। आप बताओ, नैव मतलब निहायत सीधा साधा होता है, छल प्रपंच नहीं होता, और साइनिकल का मतलब जो दूसरों में कमियां निकाल, बहुत काइयां टाइप का आदमी होता है जो साइनिकल होता है। तो आंसर जो SST ने दिया था वो भी चौथा दिया था, और जो मुझे लग रहा है वो भी चौथा ही लग रहा है, तो आंसर 4 ले लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 19 नंबर का क्वेश्चन आपका, तो ये रहा आपका 19 नंबर में क्या है, फिलर है, और आखिरी वर्ड भरना है आपको। लिखा है कीट्स एंड सेली वर पोएट्स ऑफ द सेम पीरियड, जॉन कीट्स और पीवी सेली दोनों एक ही समय के पोएट हैं, समकालीन हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें क्या कहा जाता है, तो जब समकालीन लोग होते हैं, एक ही टाइम पे दोनों होते हैं, तो उनको कहा जाता है कंटेम्पोरेरीज, ठीक है ना, क्या होगा, कंटेम्पोरेरी आपका आंसर होगा। एसोसिएट सहयोगी हो जाएगा, को राइटर्स मतलब सह लेखक हो जाता है, कलीग सहकर्मी हो जाता है, ये सब नहीं लगेगा, एक ही समय में जब दोनों विद्यमान थे, एक ही समय में दोनों ने काम किया है, साथ में नहीं एक समय में, उसी पीरियड के हैं दोनों लोग, तो कंटेम्पोरेरी कहा जाएगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना, एक idiom दिया हुआ है, इस idiom की मीनिंग बताओ। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, अगर आप बेड की रॉन्ग साइड से उठते हैं, जागते हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, देखो मतलब आपका दिन खराब होने वाला है, कुछ आपका बहुत बुरा दिन जाने वाला है, उसको कहते हैं गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। ऑप्शन लो, समवन हु इज हैविंग गुड डे, बिल्कुल नहीं होगा, बेड या गो टू स्लीप नहीं होगा, डिस्ट्रॉय या रियून अपना नहीं होगा, समवन हु इज हैविंग हॉरिबल डे, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका दिन बहुत हॉरिबल, बहुत खराब होने वाला है, वो हो जाएगा, तो रॉन्ग साइड से मत उतरिएगा। हालांकि वो दिन होने के बाद, जब दिन खराब चला जाता है उसके बाद ही कहा जाता है कि आज आप रॉन्ग साइड उतरे थे क्या। चलिए तो बढ़ते हैं, अब आपका 21 से लेकर के 25 तक की कहानी वही है, एक पैराग्राफ, 5 खाली जगहें दिख रही हैं आपको, और उन खाली जगहों पे सुटेबल वर्ड क्या लगेगा, चलिए पढ़ते हैं। लिखा है कोलोनाइज, कोलोनियलिज्म, कोलोनियलिज्म मतलब क्या होता है, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या होता है, जब कोई एक देश दूसरे देश पर कब्जा करता है, जीत लेता है, तो वहाँ पर अपने लोगों को बसाता है वहाँ के संसाधनों के उपयोग के लिए, मतलब व्हेन अ कंट्री ओवरकम या व्हेन अ कंट्री रूल्स ओवर एनदर कंट्री, मतलब दूसरी वाली कमज़ोर होगी तो क्या होगा, रूलिंग कंट्री सेटल्स हिज पीपल, हिज सिटीजन इन द कॉलोनी, इन द डिफीटेड कंट्री, डिफीटेड कंट्री में वो अपनी कॉलोनी बसाते हैं, वहाँ अपने लोगों को सेट करते हैं, क्यों, फॉर व्हाट,
सो दैट दे कुड यूटिलाइज, सो दैट दे कुड एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए ये लोग अपने लोगों को वहाँ ले जाके बसा लेते हैं। जैसे ईस्ट कंपनी ने किया था, अंग्रेजों ने किया था, इंडिया के रिसोर्सेज का खूब यूज़ किया, यहाँ की कॉटन वॉटन इंडिगो इंडिगो ले जाके अपना अपने यहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करते हैं। ठीक, तो कॉलोनियलिज्म इसी को कहते हैं, हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द एबोरिजिनल। एबोरिजिनल का मतलब मूल निवासी जो होते हैं किसी जगह के, ठीक है। एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस हु आर इवेंचुअली डैश बाय द वाइट्स, मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो एबोरिजिन्स थे, जो वहाँ के मूल निवासी थे, उन पर इंग्लैंड के जो कॉलोनियल लोग वहाँ पे जाके बस गए थे, उन लोगों ने बहुत बुरा इम्पैक्ट डाला था। आगे लिखा इवेंचुअली डैश, जो कि हरा दिए गए थे, कैप्चर कर लिए गए थे, डिफीट कर दिए गए थे, गुलाम बना लिए गए थे बाय द वाइट्स, कैसे, विद द पावर एंड प्रिविलेज, ठीक है। आगे लिखा है कि द कॉलोनियल कॉलोनाइजर्स, कॉलोनाइजर्स मतलब जो लोग कॉलोनियाँ बसाते हैं, टर्न देयर लैंड इन टू रबिस पिट। तो जो कॉलोनी ऑस्ट्रेलिया को जो अपनी कॉलोनी बनाए थे, उन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की लैंड को रबिस पिट बना दिया था एकदम से, मतलब कैसे थे, कूड़े का ढेर बना दिया था उन्होंने। एंड डैश साइट्स फॉर देयर ओन बेटरमेंट, और डैश साइट्स, साइट्स का मतलब क्या हुआ, जो वहाँ पे साइट वगैरह थे उनको बर्बाद कर दिया अपने फ़ायदे के लिए। द एबोरिजिन्स जो वहाँ के मूल निवासी थे, वर ऑफन डैश एज सब ह्यूमन, उनको ट्रीट किया जाता था मतलब सब ह्यूमन की, मतलब एक मतलब सामान्य ह्यूमन भी नहीं मानते थे उनको, सामान्य इंसान भी नहीं मानते थे उनको, सब ह्यूमन माना जाता था, विद लो स्टेटस एंड डर्टी हैबिट्स। इन अंग्रेजों को लगता था कि हम ही साफ़ सुथरे हैं, हम ही हायर स्टेटस के हैं, हम ही साफ़ सुथरे हैं, भले महीने भर में एक दिन नहाते हों, ठीक है। तो वो यहाँ के जहाँ भी कब्जा करते थे, वहाँ के मूल निवासियों को वो गंदा संदा समझते थे। आगे लिखा द वाइट्स, जो ये सफ़ेद मतलब जो गोरे लोग थे, नॉट ओनली डिस्प्लेस द ट्राइब्स ऑफ देयर होमलैंड, जो वहाँ की ट्राइब्स थी उनको ऑफ ऑफ मतलब भगा दिया, दूर भगा दिया उनके होमलैंड से, बट आल्सो डैश, बल्कि उनको क्या किया, डैश द ब्यूटी एंड बैलेंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। तो अगर इन्होंने एक नुकसान किया तो ये चौथे वाले में भी नुकसान होगा, बल्कि उन्होंने डिस्ट्रॉय किया वहाँ के नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटी बैलेंस को, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द डिफॉरेस्टेशन, खूब पेड़ काटे, डिफॉरेस्टेशन खूब किया उन्होंने, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल लैंड, जो ट्रेडिशनल लैंड थी उसको भी उन लोगों ने डिस्ट्रक्ट किया, बर्बाद कर दिया। एंड लेड डैश लाइक, और लेड डैश लाइक ईमू, ईगल, वहाँ के जीव जंतु हैं, ईमू है, ईगल है, कंगारू है, अमंग मेनी अदर, टू ड्विंडल द ओवर टाइम। तो धीरे धीरे ये लोग क्या हो गए, ये घटने लगे। देखो आप जंगल काट डालोगे तो जंगली जानवर जो उनकी संख्या घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए, तो लेड के बाद एनिमल्स यहाँ लगाओगे, सारे एनिमल्स का नंबर नाम दिया हुआ है, लेड डैश, यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं ईमू, ईगल, कंगारू को, तो एक एनिमल हो गया, एक बर्ड हो गई, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्रिएचर्स हो सकता है, ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, मतलब जीव जंतु प्राणियों के लिए कोई वर्ड लगेगा, आगे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। ये था हमारा पैसेज। अब हम करते हैं क्या, इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो पहले दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है डैश, इवेंचुअली डैश बाय द वाइट्स, जो वहाँ के एबोरिजिन्स थे, ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस थे, वर इवेंचुअली डैश बाय द वाइट्स, उनको वाइट लोगों ने डैश कर रखा था, क्या कर रखा था बताइए हमको, अब अंडरस्टूड कर रखा था, कॉट कर रखा था, रेज कर रखा था, या सब्जुकेट कर रखा था, मैंने कहा था अधीन बना रखा था, उनको अपना गुलाम बना रखा था उन लोगों ने। तो गुलाम बनाने के लिए क्या लगाओगे आप, सब्जुकेटेड लगाओगे, अंडर वो उनको समझ रखे थे, उनको पकड़ कॉट रखे थे, रेज उठा रहे थे, बिल्कुल नहीं, उनको गुलाम बना रखे थे अपना। तो चौथा वाला लगाओगे, सब्जुकेट मतलब किसी को अपना गुलाम बनाना, किसी को सेवराइज कर देना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाओ, तो दूसरे नंबर पे, पिलर नंबर टू, यहाँ पे आ जाओ, क्या करना है यहाँ पे, देखो कॉलोनाइजर्स ने क्या किया, टर्न देयर लैंड इनटू रबिस, उनकी जो ज़मीन थी उसको रबिस पिट बना दिया इन लोगों ने। डैश साइट्स फॉर देयर ओन बेनिफिट, अपने बेटरमेंट के लिए उन्होंने साइट्स को क्या किया, इसको भी सत्यानाश किया होगा इन्होंने, अपने फ़ायदे के लिए साइट्स का क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, डेटिंग की, रिक्रिएशन किया, या हाल्टिंग की, तो कंस्ट्रक्शन किया होगा अपने फ़ायदे के लिए, और क्या करेंगे, ठीक है।
तो देखो कोई साइट होती है उसको अपने चूंकि लिखा अपने फायदे के लिए तो कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, अपने फायदे के लिए उन्होंने यहाँ पे साइट्स का कंस्ट्रक्शन किया। चलो आगे लेते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो इस वाले फिलर में थ्री वाले पे आ जाओ। क्या लिखा है इन्होंने, द ओबरिजिन्स एबोरिजिन्स जो वहाँ के मूल निवासी थे वर ऑफन डैश एज सब ह्यूमंस ए लो स्टेटस डर्टी हैबिट। उनको इस तरह से क्या किया जाता, उनके साथ ऐसा बिहेव किया जाता, उनको ऐसे ट्रीट किया जाता था, उनको ऐसे रिगार्ड किया जाता था। चलो आ जाओ, तो वो क्या किए जाते थे, जो वहाँ के एवोरजेंस थे वो ऐसे क्रिएट किए जाते थे या परसीव किए जाते थे या रिसीव किए जाते थे या लेड किए जाते थे ऐसे। तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको ऐसे परसीव किया जाता, परसीव मतलब उनको ऐसे उनके बारे में ऐसा सोचा जाता था, ऐसा महसूस किया। अंग्रेज लोग इन लोगों को बहुत तुच्छ और घटिया मानते थे, मानने के लिए क्या लगाओगे, परसीव लगा लो। ठीक, चलिए आगे आते हैं, क्योंकि ये सब कुछ क्रिएट करना बनाना हो जाएगा, रिसीव करना ये होगा नहीं, परसीव किया जाता था इनको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 वाले के लिए। ठीक है ना, तो 4 में क्या लिखा हुआ है, देखो द वाइट्स नॉट ओनली डिस्प्लेस्ड द ट्राइब्स ऑफ देयर होमलैंड, ना केवल उन्होंने ट्राइब्स को होमलैंड से डिस्प्लेस किया बट आल्सो डैश द ब्यूटी एंड बैलेंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, इसको भी बर्बाद कर दिया नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटी और बैलेंस को, तो क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया, यही ऑप्शन लगा लो, क्योंकि उसको यूटिलाइज नहीं किया उन्होंने, बर्बाद ही किया था, क्लाइम भी नहीं किया, फेड भी नहीं किया, बर्बाद कर दिया। तो ये हो गया 24 नंबर में। 25 नंबर पे क्या करोगे, 25 नंबर में मैंने कहा था कि एग्जाम्पल के तौर पर क्या दिया हुआ है कि मतलब जब वो वनों को काट रहे थे तो जो वहाँ के जीव जंतु थे वो क्या होते, जीव जंतु जैसे एमू हो गया, ईगल हो गया, कंगारू हो गया, ये सब तमाम जो जानवर थे उनको उनकी संख्या ड्विंडल हो गई, उनकी संख्या घट गई। तो लेट अब यहाँ ये सब एग्जाम्पल दिए, तो मैंने यहाँ क्या कहा था, मैंने कहा था यहाँ पर एनिमल्स या क्रिएचर्स इन सब के चक्कर में ऐसा ही कोई वर्ड यूज किया जाएगा। चलो देखते हैं एनिमल्स के लिए कोई वर्ड दिया है क्या, यहाँ पे पेट्स है नहीं, ये जंगली जानवर है, ठग ये है नहीं भैया, ठीक है, होमीज भी नहीं है, क्या है ये, फौना है। फौना का मतलब क्या होता, किसी पर्टिकुलर रीजन में जो जीव जंतु जो लाइफ स्टॉक पाया जाता है उसको हम लोग फौना कहते हैं, जो प्लांट पाए जाते हैं पौधे पाए जाते हैं उनको हम फ्लोरा कहते हैं। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस, उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी आज की क्लास। ठीक है, इसके पहले की भी हम लोगों ने जितने मतलब 39 आज हमारा पूरा हो गया, तो 38 तो हम पहले की है, ये सीजीएल का पूरा सेट हो गया आपका। ठीक है ना, तो अब ये आपके पास इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर चाहें तो, अगर कोई दोस्त आपका प्रीवियस पेपर सॉल्व करना चाहता है तो। ठीक है, और कहीं और से पढ़ें तो कोई बात ही नहीं है। खैर चलिए, तो दोस्तों के साथ शेयर करो और अपने सुझाव हमको दो, और कुछ बच्चों को ये डिमांड है कि हम इसके बाद तुरंत बाद स्टेनो शुरू करें, तो मैंने कहा था कि बेटा मैं स्टेनो तो शुरू ही करूँगा, क्योंकि स्टेनो का जो पेपर है वो शायद CHSL के पहले है, उल्टा हो गया, आपकी बार IB का होगा। ठीक है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का आया है उसके बाद स्टेनो वाला पहले आ गया है, स्टेनो के बाद CHSL होगा, CHSL के बाद MTS होगा, MTS के बाद कहीं जा कर के CGL का पेपर है। तो हम स्टेनो का भी करेंगे, और जो मतलब 9 सेट हैं 2021 के, जो IB का पेपर है 2021 में 3 दिन हुआ था, 3 × 3 = 9 सेट हैं। ठीक है, तो 20-20 क्वेश्चन का है इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला, तो बीच बीच में मैं इसको भी कराता रहूँगा इंटेलिजेंस ब्यूरो का, या आप लोग कहिए तो 9 सेट है, 9 डेज लगेंगे, मैं इसको निपटा दूँ, ख़त्म कर दूँ। अच्छा, आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम को देते हो, यहाँ पे जो CGL है, CHSL है, MTS है, या स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, बट जो क्वेश्चंस होते हैं इसी टाइप के होते हैं। आप चाहें तो ये मतलब जितने भी डिस्कशन है IB वाला, सारा का सारा देखा सब करिए, सारे पेपर ट्राई करिए, अंग्रेजी तो इम्प्रूव होगी ही होगी, प्रैक्टिस तो होगी ही होगी। तो मैं IB का और स्टेनो का दोनों अभी लेके चल रहा हूँ, और मतलब IB जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो IB जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो फिर स्टेनो, और स्टेनो के साथ में CHSL चलता रहेगा। ठीक है, ये दोनों मतलब इस तरह से काम करूँगा, दो दो एक साथ में लेके चलेंगे, टाइम काफ़ी है। ठीक है, तो दोनों लोग भाई सेटिस्फाई रहो, ये नहीं कि उनका ख़त्म हो जाए तब हमारा होगा, ऐसा कुछ नहीं, साथ साथ में चलेंगे। और ग्रामर और वोकैब के लिए तैयार रहिएगा, मैं ग्रामर और वोकैब का सेशन करने जा रहा हूँ, शुरू करने जा रहा हूँ,
और एक्सपेक्टेशन है, मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोग ग्रामर और वोकैब वाले सेशन में भी हमारा ऐसे ही खूब कोऑपरेट करेंगे हमको, जैसे अभी तक इसमें करते आए हैं। ठीक है, तो आप लोगों की राय की उम्मीद है मुझे, आप अपनी राय दीजिएगा हमें। और ग्रामर और वोकैब के सेशन के लिए आप लोगों की क्या राय है, क्या चाहते हैं, उस पर भी आप बताइएगा। और हाँ, उस पर हमें आपके कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी ग्रामर और वोकैब वाले में। ठीक है, तो फिर होगी नेक्स्ट मुलाकात हम लोगों की अगले सेशन में। और सीजीएल को यहीं पर समाप्त करते हैं पूरी तरह से। सीजीएल का एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत अच्छा हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरा आशीर्वाद, प्यार, सब कुछ आपके साथ है। बस ये साल आप अपना करिए, 2024 में नौकरी लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग कल वाले सेशन में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।